हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग विद स्वाति। और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड देन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दो, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ एवरी मंडे एंड फ्राइडे, वीक में दो बार। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारा कि हम साड़ी को बंगाली स्टाइल में कैसे ड्रेप करें। और मेरा ये बंगाली साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल मेरा डॉली जैन से इंस्पायर्ड है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे कि बंगाली स्टाइल से साड़ी को कैसे ड्रेप करें। फ्रेंड्स, साड़ी को पहले जो नॉर्मल हम लोग एक बार लपेटते हैं, तो पहले हम उसको लपेट लेंगे एक बार। फ्रेंड्स, मेरा एक बार राउंड कंप्लीट हो गया है, आप देख लो। और उसके बाद हम एक राउंड जब कंप्लीट करेंगे तो उसको यहाँ तक नहीं टक करेंगे, उसको पूरा इस साइड तक टक कर लेंगे। इस तरह से टक कर लेने के बाद अब हम पहले पल्लू बनाएंगे। फ्रेंड्स, पल्लू हमको बहुत ही ज़्यादा नीटली बनाना है, तो उसके लिए हम प्लेट की जो चौड़ाई होती है उसको बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। और पल्ले को पिन से या क्लिप से आप इस तरह से सिक्योर करते जाइए। फ्रेंड्स, इस तरह से बना लेंगे और फिर इनकी प्लेट्स को अरेंज करेंगे। इतनी बनाने के बाद इनको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी सेट रहे प्लेट्स। और यहाँ पे फिर से एक क्लिप लगा देंगे। अप्रॉक्सीमेट 75% साड़ी को हमको इस तरह से प्लेट्स बना लेना है। तो हम पहले प्लेट्स बना लेते हैं। इस तरह से प्लेट्स बना बना के उसको सिक्योर करते जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स बन जाने के बाद हम इसको मेज़र कर लेंगे कि हमको, जब हमने यहाँ तक इसको टक कर लिया था, तो हम एक फोल्ड इस तरह से और टक करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमको ये देखना है कि हम जब ऐसे पल्ला बनाते जा रहे हैं तो पूरा टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा बहुत बड़ा ऐसा पल्ला बन गया है। इतना प्लेट्स बना लेने के बाद हमको ये चेक करना है जो हमारा नीचे का है पार्ट, वो इस तरह से बॉर्डर पूरा लंबा सा आए, पूरा एक सीध में आए। तो हम इसको पहले एडजस्ट करेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, मुझे ये देखना है जो ये हमारा फॉल दिख रहा है, इस पर ऐसे ऊपर तक ऐसे आ जाए, ऐसे हमारा ट्रायंगल बन जाए, जिससे हमारा ये फॉल हमारा ना दिखे, हाइड हो जाए। तो हमको इतना ऐसे इसको ऊपर तक खींचकर बनाना है पल्ला अपना। अब आप देख सकते हो कि मेरा जो भी बॉर्डर आ रहा है पूरा स्ट्रेट आ रहा है और कोई भी फॉल नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। अगर आपकी साड़ी इस टाइप की कि पलट जाती है तो उस जगह आप पिन कर दो, बट हमको ये बॉर्डर स्ट्रेट चाहिए। बिल्कुल सीधा हो जाने के बाद अब हम अपनी साड़ी को यहाँ पर पिन कर लेंगे। फ्रेंड, वन शोल्डर पर पिन कर लेने के बाद अब हम जो भी हमारा ये पार्ट बचा हुआ है इसको हम पूरा इस तरह से खींच कर अपने ब्रेस्ट को कवर करेंगे एंड देन ऐसे ले जाकर इसको पीछे के साइड टक कर देंगे। अगर आपका पेटीकोट लूज है तो आप पिन से ज़रूर सिक्योर कर लें उसको।
फ्रेंड्स इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमको इस वाले पार्ट को सेट करना है जो हमारा एक्स्ट्रा पल्ला बना हुआ है, तो हमें इसको इस तरह से लाते हुए इस तरह से इसको डाल लेंगे और साइड से टक कर लेंगे अपने शोल्डर पे। इस तरह से टक हो जाने के बाद अब हम क्लिप्स को हटा देंगे। और फ्रेंड्स मेरा ये पूरा लुक बंगाली लुक तैयार हो गया। तो बंगाली लुक के लिए स्पेशली हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम उसमें कुछ एक बड़ी सी बिंदी लगाएं, हेयर बन बनाएं, तो उससे और भी ज़्यादा इस लुक को आप इन्हेंस कर सकते हो। और अगर अच्छी सी ज्वेलरी ऐड करते हो, अच्छा सा हेयर स्टाइल ऐड करते हो, तो परफेक्ट लुक तैयार हो जाता है आपका। और फ्रेंड्स इस तरह से साड़ी अगर आपको किसी पूजा के फंक्शन में पहनना पड़े तो आप इस तरह से पल्ला भी कर सकते हो और ऊपर पिन लगाकर उसको सिक्योर कर लीजिए और पल्ला आपका रुका रहेगा और बहुत ही स्मार्ट लुक देगा आपको, पूजा में कुछ अलग ही लुक देगा। और बंगाली लुक तो वैसे भी पूजा के लिए फेमस है, तो आप देख सकते हो इस तरह से आप पल्ला भी कर सकते हो। इस तरह से आप अपने लुक को और भी स्टाइलिश बना सकते हो। आपको मेरा साड़ी पहनने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप मेरे पूरे लुक के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और थम्सअप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, थम्सअप तो ज़रूर दीजिएगा। और आप मुझे फ्री अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट पर। मेरा हैंडल है स्वैग विद स्वाति। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।